सो गाइस, हैप्पी वीकेंड पता किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हैप्पी वीकेंड। अपनी बाइक उठाओ और निकल जाओ अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने। छोटी सी जिंदगी है, जितना टाइम अपने आप को दे सकते हो दो, घूमो फिरो। तो आप लोग भी गाइस टाइम निकालो और ऐसी कुछ अच्छी सुंदर प्लेसेस को एक्सप्लोर करो। वो खड़ी है हमारे सामने बाइक्स और हम लोग ले रहे हैं संडे का आनंद। आप लोग सामने देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस क्लिफ के पास। बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं है, बट गहरा तो है, डर तो सभी को लगता है। थोड़ा सा और नीचे जाके देखते हैं। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। वो है सामने वाटरफॉल मंदिर, ये भी पूरा वाटरफॉल है, बट यहाँ पे अब पानी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो इट्स टाइम टू मूव नाउ। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से निकल के हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जो कि होगा शायद मैन डैम, MANDAM, मैन डैम करके कोई प्लेस है। सो यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच आवर सेकंड डेस्टिनेशन विच इज मैन डैम। और ये डैम सूखा पड़ा है एज यूजुअल, क्योंकि मार्च में ही इसमें पानी चला गया और हम लोग सोच के आए थे कि यहाँ पे कुछ अच्छे से दृश्य होंगे, बट दृश्य उससे क्या लेना देना। दृश्य हमने इससे पहले वाले डेस्टिनेशन में देख लिए हैं। और रास्ता जो था, ओए होए होए, चुम्मा रास्ता था, ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट था। तो भैया चला रहे थे हिमालयन और मैं चला रहा था हार्ले डेविडसन स्ट्रीट, तो मुझे बड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है और हिमालयन तो ऑब्वियसली ऑफ रोड बाइक है। सो भैया ने पूरे मज़े लिए, पूरे आनंद लिए, मैं थोड़े से स्लो चल रहा था, क्योंकि हार्ले डेविडसन को हम लोग रिस्क में नहीं डाल सकते थे। अगर छोटा सा भी उसमें टूट फूट होती तो आपको पता ही है बड़ा खर्चा आ जाता है, इसीलिए आराम आराम से चलना ही बेटर है। ये है पीछे डैम और इसके पीछे है इसका लेक, मतलब जो पानी भरा हुआ रहता है और इसके थ्रू आता है पानी। सो ये डैम है, इसमें कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए। और धूप इतनी है ना कि शॉर्ट्स लेने का भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप लोग एक दृश्य देख ही लो। ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं, ये हमारी बाइक्स पार्क्ड हैं और यहाँ से ये ब्रिज है और ये है डैम, दिस इज इट। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं, मुश्किल है इसमें हार्ले में, बट देख ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, सो इस पे चला रहा हूँ। इससे भी खराब रास्ता था उस पर मैंने बहुत स्लो गाड़ी चलाई और भैया फुल मज़े ले रहे हैं ऑफ रोडिंग के, क्योंकि भैया चला रहे हैं हिमालयन, हिमालयन तो है ऑफ रोड बाइक। और यहाँ पे आके रोकनी पड़ी बाइक, क्योंकि आगे का रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब स्लो है, नीचे की तरफ जा रहा है और हार्ले थोड़ी सी मुश्किल है ले जाना, बट शायद चली जाएगी, इतना भी हार्ड नहीं है। और भैया चले गए नीचे, यार कितना सही है ना उनके लिए, एडवेंचर बाइक का पूरा मज़ा ले रहे हैं भैया। और मेरी थोड़ी सी फट रही है अंदर नीचे ले जाने में, फिर भी चली जाएगी, इतना टफ नहीं है। चलो चल के देखते हैं, चल बेटा चल 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 चल। मुश्किल है और इसके साथ रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इन कंपैरिजन, क्योंकि ये है ही नहीं एक्चुअली एडवेंचर बाइक, फिर भी हम इसको लेकर आ रहे हैं, चल रहे हैं। सो कर दिखाया, अब आगे देखते हैं चढ़ेगी। सो फाइनली वी मेड इट अगेन
ये दूसरी राइड थी जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, और अब आ गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। उस तरफ थे जब हम डैम के, तो हमें लग नहीं रहा था कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रास्ता ख़राब है। इस बाइक के लिए ठीक है एकदम, भैया ने बहुत मजे लिए और मैं पीछे मतलब डर डर के बाइक चला रहा था कि कहीं कुछ ऑफ केक था, इट वाज एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम, देख रहे इंग्लिश इसमें बहुत मुश्किल हो रहा था लाने में, लेकिन फिर भी मैं ले आया धीरे 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 करके। पहले भैया को आगे निकाला, मतलब भैया आगे गए फिर मैं पीछे पीछे आया, और जो रास्ता था ना वो तो जो भी था, लेकिन जो मंजिल है वो लिटरली बहुत ही खूबसूरत है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सबर का फल हमेशा सुंदर होता है, हमेशा मीठा नहीं होता है, सुंदर होता है। सो दिस इज़ द व्यू, मतलब और क्या चाहिए आपको कुछ। गाइज आप लोग भी ऐसा करो, निकलो अपने घरों से। गाइज एक और बात आप लोगों को बतानी थी, बताएं कि नहीं, चलो बता देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। सो आज जो है संडे है 21 मार्च, और आज इंदौर में MP में लॉकडाउन है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, बट वी आर फ्री वर्ड्स जैसे कि भैया ने बोला, और जैसे कि मैं बोलता हूँ लिव फ्री स्टाइल, सो वी आर आउट। लेकिन हम कोई रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं, हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे और सीधा हम लोग इंदौर से बाहर आए हुए हैं, इंदौर के अंदर नहीं है और लॉकडाउन इंदौर में। सो वी आर हियर, और अभी हम लोग जाएंगे और सीधा अपने घर चले जाएंगे, घूम नहीं रहे हैं। सो इंदौर से बाहर ही हम लोग, तो इंदौर में लगा हुआ है लॉकडाउन। बहुत ही परफेक्ट और सुंदर नज़ारा है, और साथ में ये दो परफेक्ट बाइक्स। बस यहाँ पे एक चाय की टपरी होती ना तो मज़ा आ जाता। सो यहाँ का हो गया और निकलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए, ऑल सेट टू लीव, निकलते हैं यहाँ से फटाफट और रास्ते में मिलते हैं फिर। ऑल राइट, सो एक ही ब्रेक लिया है रिटर्न में, और अब इसके बाद सीधा इंदौर पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 50-60 किलोमीटर्स बचा है, चाय पियेंगे और सीधा फिर इंदौर में। एंड वी आर होम, और मतलब बोल नहीं सकता हूँ मैं, बता नहीं सकता हूँ कि क्या फील हो रहा है। मज़ा आ गया अंदर से, जो सुकून मिल रहा है ना, ये जो पीस मिल रही है, बेस्ट है ये। आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, नो वर्ड्स एक्चुअली, ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता सीरियसली। जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो हमें समझ सकता है, और जो नहीं है वो समझने की कोशिश करो। सो अगर ये व्लॉग आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट लिव फ्री स्टाइल। सो गाइज डू लाइक शेयर, बोलना कॉमेंट सब्सक्राइब, ओके। सो गाइज डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लिव फ्री स्टाइल, बाय बाय।